आ गए। All right, दोस्तों, what's up everyone? Welcome back to my channel, Archit Verma Live. तो वीडियो शुरू करने से पहले make sure कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि मैं ऐसी craziest वीडियो लाता रहता हूँ यार। I'm so excited. तो दोस्तों जल्दी से बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। Let's go. आपका कौन सा स्पोर्ट? मेरा विराट कोहली है। अच्छा, विराट कोहली? उसने विराट तो बोला ही नहीं, विराट बोला है वो। जैसा कि आपने भी वाइट ड्रेस पहनी है, तो आप भी खेलते हो क्या? हाँ, मैं भी खेलता हूँ। मैं तो इतना खेलता हूँ कि स्कूल से मेरा 2 बार नाम कटते कटते बचा है। घर वाले सब बोलते हैं मत खेला कर, मत। डेडिकेशन, काफी हार्डकोर प्लेयर है ये, बहुत डेडिकेशन है भाई में। क्रेजीएस्ट स्पोर्ट्स पर्सन देख लिया भाई मैंने तो आज। लेकिन नहीं, मैं तो खेलता हूँ, ये जो है ना मेरे खून में भरा हुआ है, खून में है भाई, खेलता हूँ। खेलना चाहिए, सबको खेलना चाहिए। खेलते हैं, मैं ताश खेलता हूँ। खेल तो बहुत अच्छा है, पर खिलाड़ी की हरकतें सही नहीं है। ताश खेलता है भाई हमारा। भाई ने ताश के गेम को एज अ स्पोर्ट्स बोल के अपनी औकात दिखा दी। इसका भी मैंने वर्जिनिटी टेस्ट करवाया है? और तुम्हें पता है, मतलब आप सोच के पूरे दंग रह जाओगे कि वो वर्जिनिटी टेस्ट में पूरी तरह से पास हो गई। थैंक यू सो मच। कितने पैसे दिए डॉक्टर को? मैंने वर्जिनिटी टेस्ट करवाई आगे से। इसने कहा कि आगे की मुझे गारंटी है, सबसे पहले आप पीछे की करवाओ। और उसके बाद में दबाव में मैंने पीछे की। मैं भी थोड़ा शासन था, लेकिन सरप्राइजिंगली वो टेस्ट में मैं पास हो गया। घंटा पास हो गया। आगे तो चलो ठीक है, कुछ नहीं है, पीछे तो काली घाट की गुफा निकली तुम्हारी। भाई ये दोनों, इन दोनों को साथ में छोड़ना ही नहीं चाहिए भाई। अरे शर्म करो, मीडिया वालों के लिए तो अलग ही कंटेंट है ये दोनों साथ में तो। पर कुछ जोड़ी भगवान ने बना के भेजी होती है, दे आर मेड फॉर ईच अदर। और इन बिग बॉस, ये रख दिया फोन, ये रहो। थैंक यू। अपने सूट केस में 3 फोन लेके जा रहा था, 3 फोन अंदर लेके जा रहा था। सलमान खान ने पकड़े, ओए कहाँ लेके जा रहा है फोन अंदर, फोन अलाउड नहीं है। जल्दी वहाँ से हटो। लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। फोन रखने का, ये लो चलो दूसरा फोन का, दूसरा। तुमको पता है ना मेरे साथ सब्जी कैसे लेता है? ऐसा नहीं लेता मेरे साथ। संस्कारी सेल्फी। रात का फोन कौन सा है तुम्हारा? ये वाला, ये। हाँ, हिंदुस्तान को दिखाओ मेरे साथ कैसा सेल्फी लेता आदमी। संस्कारी सेल्फी। भाई के सामने नहीं, भाई के सामने बड़े बड़े ओरी फेल हैं, भाई के सामने डर के रहना चाहिए। पर ये ओरी मुझे सारा खान अली जैसा क्यों लगता है, मतलब उसका डुप्लीकेट लगता है मुझे ये। अब ये मत पूछने लग जाना कि ये काम क्या करता है। भाई मैं खुद नहीं जान पाया, बिग बॉस वाले अंदर कंटेस्टेंट नहीं जान पाए कि ये काम क्या करता है। ये लोगों के साथ सेल्फी खिंचाता है, उसके ये 20-20 लाख चार्ज करता है। मुझे नहीं पता है कितनी सच है कितनी झूठ है। अगर ऐसा करता है तो भाई ये तो करोड़पति है। बहुत पैसा है अपने पास चिंटू। भाई चिंटू का अलग ही खेल चल रहा है अंदर। चिंटू इज सो एंटरटेनिंग पर्सन। पहले स्टार्टिंग में मुझे अच्छा नहीं लगता था, बट अभी अच्छा लगने लग गया भाई। चुनरी चुनरी, ओ डाइवर्ट कर दिया ध्यान। चिंटू वाज लाइक क्या क्या करना पड़ता है, और मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। मेरी तरह किस किस को लगता है कि समर्थ और ईशा नहीं, समर्थ और अभिषेक बेस्ट कपल है। मैं तो कह रहा हूँ समर्थ और अभिषेक को डेट कर लेना चाहिए एक दूसरे को। और गाइस शायद हम सभी ने एक लड़की के बॉयफ्रेंड और उसी लड़की के एक्स का एक ऐसा बॉन्डिंग देखा है। ये भी ठीक है। आज आप क्या खा के आए हो? मैं दाल चावल रोटी सब्जी और लस्सी। इतना लस्सी खाते हो? हाँ, तो आप क्या खा के आए हो? मैं तो जूस और सैंडविच। हम लड़कियाँ हैं ना, हमें थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ता है। अच्छा, तो दीदी खाना ही तो कम खाते हो। लड़कों का सुख चैन सुकून पैसा खाने में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करते हैं आप। भाई ने तो छोड़ा ही नहीं, पर एक चीज भाई ने नहीं बोली, लड़कों का दिमाग, दिमाग भी तो खाती है लड़कियां। अब लड़के कमेंट में लिखेंगे कि भाई इतना भी सच नहीं बोलना था। Justin Bieber 2.0। ऐसा है क्या बेटा? जल्दी मुंह छुपा हुआ था ना, मुंह छुपा हुआ, जल्दी छुपा, जल्दी छुपा, जल्दी से देख लिया भाई। ओके गाइस, वेट एक मास्टर भाई रमेश भाई ऐसे हल्के में तो छोड़ने वाले हैं नहीं। रूम देखोगे? मैं रूम दिखा दो। रूम टूर। ये है मेरा रूम। अच्छा। ये है मेरा वॉल। ये है मेरा ड्राइंग रूम। अच्छा। ये है मेरा बाथरूम। ये है मेरा कमोड। सॉरी, कमोड में कभी टट्टी है, रूम फ्लश कर लेते। Bro compared them with the shit. तीनों को क्यों बोला? एक ही बंदी ने तो हार्म पहुंचाया था। भाई ने तीनों को पेल दिया। 1 versus 3 हो गया ये।
तो सिर्फ पैसा चाहिए, लड़कियां तो सिर्फ पैसे से पटती हैं, तो कमा ना भेंचो, तुझे भी तो सिर्फ लड़कियां ही चाहिए भाई। तू रेट तो बता, ये क्या हो रहा है भाई? आज तो सारा सैवेज वाले बीम्स आ रहे हैं, सारे सैवेज बीम्स, हर कोई पेलने में लगा। लड़कियां तो सिर्फ पैसे से पटती हैं, तो कमा ना भेंचो। दीदी हम पैसा कमा के लड़कियों पे उड़ाने को भी तैयार है, पर हम लड़कियों पे उड़ाने को तैयार है, आप जैसी छपरियों पे नहीं। I like to dissect girls. Did you know I'm utterly insane? आपके चेहरे पे कुछ निशान है, कुछ एक्सीडेंट हुआ था या कुछ? हाँ, चेहरा जल गया था। क्या? नेहा जी टुक इंस्टाग्राम रील सेक्शन टू पर्सनली। ओए मोए पठान और टाइगर है जी। पठान और टाइगर है जी। सलमान खान तो एकदम रियल लग रहा है, पर ये पठान का शाहरुख एकदम थकान क्यों लग रहा है? नीचे सब टाइटल भी नहीं है एकदम। बट गाइस ये मूवी मैं देख के आया हूँ, बहुत क्रेजी मूवी यार। आई मीन मैं सोचे जा रहा हूँ कि भाई यार हम कैसे देखेंगे 3.5 घंटे। मैं सोच रहा हूँ मैं भाने मार दूं कोई, मेरे को नहीं देख रही। बट गाइस जब मैंने मूवी देखी है, ट्रस्ट मी मुझे पता नहीं चला 3.5 घंटे कब निकल गए। ये साल खत्म होने वाला है एंड आई थिंक आई हैव वॉच्ड वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ दिस ईयर। मतलब हाँ, पठान और जवान के बाद की जो मूवी मुझे अच्छी लगी ये न्यू फियर अनलॉक्ड। दीदी को डरा रहा कुत्ता। दीदी कुछ करो, कुछ करो, पत्थर मत मारो। ये क्या किया? मुंह धो रही है, मेकअप उतार रही है। ओए बॉय, कुत्ते का भी भरोसा उठ गया लड़कियों से। द मोमेंट मोए मोए बिकम मोरी मैया, ये क्या हो गया? किसी भी बंदे के साथ ना हो ऐसा मोए मोए तो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन क्या देखने को मिलेगा, दिखाएं। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। सॉरी सॉरी गाइज, ये गलत हुआ हमारे साथ, ढंग से देखने भी नहीं दिया। पर भाव ऐसे मत आया करो यार, कभी कभी किस वीडियो में मजे भी लेने दिया करो हमें। अरे व्हाट इज जनगणना? जान जान जैसा लोगो, इस जान वो जान लोगो, और घिरना जैसा घिरना फॉलिंग। गिरना। अब ओरी को जनगणना का मतलब बताएंगे चिंटू। ओरी बेटे, जनगणना मतलब दादा यानी कि यहाँ पे जितने लोग हैं उन्हें गिनो और फिर तादाद बता दो। जनगणना भाई, मैं तो कहता हूँ ओरी और चिंटू की एक अलग फ्रेंडशिप बना दो, बढ़िया एंटरटेन करेंगे दोनों। कुछ भी कहो, चिंटू में वाइब तो एंटरटेन मस्त करता है। आपके हिसाब से लड़के को पटाना इजी है क्या, उनसे छुटकारा पाना इजी है? पटाना इजी है। पटाना इजी है, आई थिंक छुटकारा पाना। ओके अच्छा, पटाना बहुत इजी है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया दीदी, कोई हूतिया ही होगा जो आपसे पट जाएगा। कितने गंदे हो यार तुम लोग, कितने गंदे हो भाई। एक बंदा लिख रहा है रुक जा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे बॉयज ने स्किन कलर पे जज करके अपनी औकात दिखा दी। भाई कलर और बॉडी शेविंग मत किया करो यार, ये चीज अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। हेलो यार, तुम पागल आगल हो क्या? मना किया ना, इतने कॉल मत किया करो। कल पापा ने कॉल उठा ली, तूने पापा को बाबू बोल दिया। पापा ने मेरे को बेल्टों से मारा यार। अभी तो पूछ तो लिया करो कौन बोल रहा है। पापा कह रहे मैं कौन का बाबू हूँ यार। पापा ने फोन उठा लिया। मराई कर दिया। अब तुम मुझे कॉल मत करना आज के बाद, मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ तुमसे। ओ भाई, अंकल तो बिल्कुल नहीं असर है मेरे को, कहीं अंकल ही तो उसके पापा नहीं है। सबके पास जा जाकर नॉमिनेशन की भीख मांग रही हैं आप, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सबके पास जाकर नॉमिनेशन की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। जी बिग बॉस, कैसे? मैं आपको भी आपके बेस्ट फ्रेंड अनुराग के साथ साथ
इस हफ्ते सीधे सीधे मोहल्ले से बेघर होने के लिए नॉमिनेट करता हूँ। थैंक यू बिग बॉस। थैंक यू बिग बॉस। आपको किसी को नॉमिनेट करने का अधिकार भी नहीं होगा। थैंक यू बिग बॉस। मुबारक हो खानजादी। थैंक यू सो मच। शी इज सो हैप्पी। ऐसा लग रहा है जैसे बिग बॉस अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है। एक वक्त आएगा जब सब चले जाएंगे और बिग बॉस कहेंगे बचा कौन, अब मैं और सलमान खान में से विनर डिसाइड कर दो। तो भाई ये जो लड़के इंस्टा पे प्राइवेट अकाउंट रखते हैं अपना, मुझे उनसे एक बात पूछनी है। भाई तुमको पीरियड्स होते हैं क्या? पीरियड्स तो नहीं, चॉइस होती है। अब हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता ना, अकाउंट भी ओपन और कुछ भी उसके लिए कपड़े भी ओपन। भाई डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयड हैट्स ऑफ। बात तो देखो भाई सही बोली गई है, क्योंकि यार कुछ व्यूज के लिए कुछ लाइक्स के लिए वो जो होता है ना लाल निशान आ रहे होते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, भाई ये तो एकदम हाइप जा रही है, मजा आ रहा है, लोग देख रहे हैं। भाई वो लोग देख नहीं रहे, वो सिर्फ मजे लेने आते हैं। तुम कुछ व्यूज के लिए कुछ लाइक्स के लिए सब कुछ करने के तैयार हो जाती है, और तुम उस कॉन्टेंट को जो मैं कॉन्टेंट बोलना भी नहीं चाहूंगा उसके तुम डाल रही हो। थोड़ा दूर की सोच के डाला करो कि भाई इन फ्यूचर ये चीज हमें कैसे हार्म कर सकती है। बाकी आपकी जो जो इसे आपको डालना है डालो, बट जो भी मेरे रियल दोस्त हैं जो कि आप लोग, वो समझोगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। That's it for today's video. I hope आपको आज का वाला वीडियो अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा don't forget to like, share and subscribe the channel. मैं मिलता हूँ आपसे next video में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। Take care guys, bye bye and love you all.